सो फाइनली गुल्लक का सीजन 4 रिलीज हो चुका है, गुल्लक का सीजन 4। एंड आपको पता है गुल्लक का सीजन 1, 2 एंड 3 कितना ज्यादा पॉपुलर है, एंड उसी का नेक्स्ट सीजन 4th रिलीज हुआ है। एंड भाई टीवीएफ वालों ये क्या चीजें निकाल रहे हो, लिटरली में यार रोना आता है आपके इस सीजन को देखने, जहाँ पे पंचायत सीरीज को देखने के बाद हंसी आती है, इतना मजा आता है एंड थोड़ा बहुत इमोशन भी होते हैं हम। एंड इस जैसी सीरीज, मतलब गुल्लक जैसी सीरीज को देखने के बाद रोना आता है, लिटरली में रोना आता है। जो एंडिंग का जो सीन है, लाइक एंडिंग का जो पार्ट है, उसको देखने के बाद आप सच में आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यार सच में इतना अच्छा है। मैं इस सीजन को देख रहा था अकेले बैठ के, एंड सच्ची में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार मैं थोड़ा सा रो लूं, लेकिन रो नहीं पाया। बाकी आइए बात करते हैं कैसा है सीजन। एंड अगर आप देख रहे हो तो आप किस पर्पस के हिसाब से देखोगे, मतलब अगर आपने सीजन 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई एम रियली रिकमेंडेड कि पहले आप उन तीनों सीजन्स को देखो, क्योंकि कनेक्टेड तो बहुत कम है, मतलब आपको कनेक्टेड इतने जन नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप उन तीनों सीजन्स को भी देखते हो तो आपको 4th सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड सच बात बताऊं, आपको अगर 4th सीजन देखना है तो आप एक साथ बैठ के एक ही बारे में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 30 से 35 मिनट के एक एक एपिसोड है, एंड एपिसोड भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 एपिसोड ही है, तो आपको ज्यादा बैठना भी नहीं पड़ेगा एंड आपको मजा भी बहुत ही ज्यादा आएगा। वो मिश्रा परिवार वाली वो बातें हैं, वो आपको भाई लिटरली में बरसों तक याद रहेगी। मैं भूल ही नहीं सकता इस पूरे सीजन को, क्योंकि यार जिस प्रकार से एक मिडिल क्लास फैमिली को कनेक्ट किया गया टीवीएफ वालों, क्या चीज बना दिया आपने, लाइक एक मिडिल क्लास की वो नोक झोंक, भाई भाई का झगड़ा, एंड मम्मी पापा की वो डांट, वो लव लेटर वाला एंगल, जो बड़े भाई की वो छुप छुप के लड़कियों से मिलने वाली आदतें, एंड बड़े भाई की वो घर से निकल जाने वाली आदत, मतलब घर छोड़ के भाग जाने वाली आदत, वो भाई लिटरली में आपने को मिलेगी। एंड भाई उसके अंदर जो आपको मजा आएगा ना भाई, यार काफी सीन्स पे ऐसा रोना आ रहा था, काफी सीन्स पे हंस भी रहे थे हम। इस सीजन का सबसे लास्ट का एपिसोड, मतलब 5वां एपिसोड आपको सबसे अच्छा लगेगा। एपिसोड को देखने के बाद आपको उसके क्लाइमेक्स में रोना ना आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड इस सीजन को मैं कहूंगा आप विद फैमिली देखना, परिवार एक साथ बैठ के देखना, आपको काफी मजा आएगा। एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर इस प्रकार से आपने डेवलप किया है कि हर एक इंसान के दिल से वो बसता है, तो मेरे को तो भाई ये सीजन बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी जाके जरूर देखना। बाकी मैं इस गुल्लक के सीजन 4 को देना चाहूंगा 5 out of 5 स्टार। मिलते हैं जरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जरूर देखना यार प्लीज।